दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि YouTube वीडियो के लिए आप लोग थंबनेल कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को थंबनेल बनाने के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर सिखाऊंगा कि कैसे अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू यूट्यूबर हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे चैनल को चेक कीजिए कि हमारे चैनल में क्या कमी है, कहाँ से हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए उन लोगों के चैनल को मैं चेक किया। अब जब भी चैनल उन लोगों का चेक करता था तो या तो दोस्तों उन लोगों का बैनर नहीं है, लोगो नहीं है और थंबनेल भी नहीं है। तो ये सब आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप लोग थंबनेल यहाँ पे बना सकते हैं और अपने एक बेहतरीन चैनल को सजाने के। दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसपे हम बताया था कि अपना यूट्यूब बैनर कैसे बनाएंगे, दूसरा जो वीडियो मैं बनाया था यूट्यूब लोगो कैसे बनाना है, और तीसरा जो थंबनेल वीडियो बना रहा है जो कि यहाँ पे आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएंगे। और जितने भी नए यूट्यूबर है वो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट यही कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत यही आ रही है। अभी तक अपने चैनल को आप सजाए नहीं, आप यहाँ पर देखते हैं आज के समय में किसी भी दुकान में जाते हैं तो आपको वहाँ पर जाने के बाद क्या दिखता है, आपको देखने के लिए यही दिखता है कि उस दुकान में जब भी जाएंगे तो उस मतलब दुकान में डेकोरेशन कैसा हुआ वो सब पहले देखेंगे, उस दुकान में सामान है या नहीं वो नहीं देखेंगे। पहले बोलेंगे जब भी दुकान में जाएंगे किसी के तो वो बोलेंगे क्या कितना अच्छा दुकान बना के रखा है, ठीक है। तो पहले दुकान देखेंगे तो कोई भी आपका चैनल पाएगा तो पहले आपका चैनल का विजिटर जो भी विजिट करेगा तो आपका चैनल मतलब देखेगा कि हमारा मतलब यूट्यूब का चैनल का बैनर कैसा है, लोगो कैसा है, आप वीडियो के मतलब चैनल के अंदर बता क्या रहा है। तो वो सभी प्रकार के मतलब जो भी कमियां होती है वो सब जो भी नए यूट्यूबर या न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर ये वीडियो अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं तो हो सकता है आप थंबनेल में कहीं ना कहीं चूक कर देंगे और यहाँ पे थंबनेल नहीं सीख पाएंगे। तो सभी नए यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट मनी क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके हमें तुरंत फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं यहाँ से ओपन करूंगा दोस्तों अपना पिक्सल जो एप्लीकेशन जो पहले आप लोग को बोला था एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, वो उम्मीद करूंगा आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। तो यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन करना है तो सिंपल दोस्तों मैं यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन किया। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को मैंने लैंडस्केप में कर दिया है, थोड़ा आपको बड़ा पिक्चर में समझाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हम यहाँ पे थंबनेल जो भी बनाएंगे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं मोबाइल में पहले बताता था कि आप यहाँ से कोई जो पहले से बना हुआ है यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को आज बनाना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या करना है वो सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग लिखने के लिए आते हैं और बहुत सारे यहाँ पे करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आना है और सबसे कोने में जो कि आता है थ्री डॉट का ऑप्शन जो कि ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे दोस्तों नीचे में पांचवें नंबर पर आता है इमेज साइज का ऑप्शन, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे पांचवें नंबर पर क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं इमेज साइज के अंदर कस्टम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, हम लोग को दोस्तों बनाना है आज की इस वीडियो में यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल चॉइस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज जो होता है यूट्यूब थंबनेल का 1280x720, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये सब जरूरी जो साइज का जो बात होती है सब जरूरी सीखना जरूरी होता है। यहाँ पे दोस्तों ये साइज अपने यहाँ पे रख के दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे मैं ओके पे क्लिक किया तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ऑप्शन पे ऑप्शन किया और यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक किया। अब दोस्तों जैसे मैं ओके पे क्लिक किया तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से जो भी था यहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी दोस्तों इसका हमें क्या करना है कि पहले बैकग्राउंड कलर जानेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले बैकग्राउंड कलर इसका चॉइस कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मली कलर है पिक्सल लैब की, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करने बाद यहाँ पे पिक्सल लैब मतलब यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे कोने में नीचे में आएंगे, कोने में आपको डबल जैसे कि कॉपी का निशान देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और दोस्तों सबसे ऊपर में दोस्तों आ जाता है कलर का ऑप्शन। अगर मोबाइल दोस्तों आपका लैंडस्केप नहीं है तो आपका मतलब दूसरे डिजाइन दिखाएगा नीचे की तरफ ना। फिलहाल मेरा साइड में दिखा रहा है तो आपको कलर के ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी कलर देना चाहते हैं अपने जैसे थंबनेल का यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों कोई अगर कलर यहाँ से बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे कलर बनाने के लिए दोस्तों जो कलर के नीचे ग्रेनाइट दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दूसरा कलर भी कोई बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चलो एक कलर आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई दूसरा कलर जो कलर लेता हूँ और इसको यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई यहाँ पे दोस्तों दूसरा ही कलर यहाँ पे देख के बना देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ज्यादातर समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक किया और ग्रीन डाल दिया और ये दूसरा कलर रहेगा और हमारा
ठीक है। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन नहीं था, यहाँ पे कर देंगे तो मेरा कलर बन जाएगा जो कि डबल लेयर में, मतलब यहाँ पे दो कलर का आपको थंबनेल का कलर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो सही कंडीशन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो मान लीजिए हमको थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे थंबनेल अगर बनाने के लिए दोस्तों बात करें तो कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज क्रिएट करूंगा जो कि हमारा एक इमेज आ जाएगा। चाहे कुछ डिजाइनिंग अगर चाहते हैं कुछ डिजाइनिंग बनाने के लिए, तो एक और डिजाइनिंग आपको बता दे रहा हूँ कि आपको बीच वाला ऑप्शन जो एक बगल वाला ऑप्शन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो ट्रिक मार रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना और कोई एक शेप ले लेना है, ठीक है। आपको डिजाइनिंग दिखा देना और यहाँ पे दोस्तों जो दिखने को मिल जा रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों जहाँ जहाँ मेरा है उसको सिंपली देखते रहिएगा और यहाँ से आप ट्राई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोस्तों कोई एक ऐसा शेप ले लेता हूँ जो कि आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं ये वाला सब चॉइस करता हूँ। अब जैसे दोस्तों चॉइस किया तो आप सोचेंगे कि एक क्यों मैं ऐसा चॉइस किया हूँ, और तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये आपको एक डिजाइनिंग देने के लिए, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे अपने मतलब इसको डिजाइनिंग दे सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डिजाइनिंग कैसे थंबनेल को ऊपर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गए हैं। कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ मान लीजिए कुछ कलर यहाँ पे रेड कलर में देता हूँ। अगर देना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा शेप बना रहा हूँ कि जो आपको देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे कलर दे दिया तो कुछ ऐसा थंबनेल देखने को मिल जाएगी आपको। अभी हम लोग को इसमें कुछ लिखना है, तो पहले हम आपको मैं रिकमेंड करूंगा पहले अपना एक इमेज लगा लीजिए। तो इमेज के लिए दोस्तों बीच वाला ऑप्शन पर रहेगा और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपका इमेज होगा वहाँ से सेलेक्ट करना है। इमेज के ऊपर मैं आ गया तो मैं यहाँ पे इमेज मेरा रहेगा जो भी है, देखता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरा इमेज है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर ही देख लेता हूँ कि मेरा इमेज कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कोई मेरा इमेज मिल जाता है तो आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मेरे वाला अपना इमेज यहाँ पे चॉइस करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ से कट करना है थोड़ा और यहाँ पे जो सही कंडीशन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब देख सकते हैं कि मेरा इमेज कितना छोटा दिख रहा है, तो छोटा बड़ा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दो बूंदे दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करके घिस सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अपना एक इमेज भी चलिए यहाँ पे सेट कर देते हैं। चलिए एक मेरा इमेज सेट हो गया जो कि आपके सामने देखने को मिल जा रही है। अभी दोस्तों इसमें करना क्या है कि आपको बता देता हूँ। अभी इमेज तो मेरा सेट हो गया, मान लीजिए इमेज में कुछ हम यहाँ पे साइड में इसको दे देते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुछ साइड में इसको ड्रॉ करने के लिए देते हैं जो कि इमेज को ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्ट्रोक, जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि साइड में अपने एक स्ट्रोक कैसे लगाएं। आप बहुत सारे वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लू कलर का मैं एक देता हूँ जो कि स्ट्रोक, ठीक है। अभी दोस्तों हम थंबनेल किस टॉपिक पर बनाए वो जानेंगे, ठीक है। तो हमारे तो टेक के रिलेटेड है, तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है। अगर आप लोग कुकिंग के रिलेटेड है, कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो उसके रिलेटेड आप सर्च करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे बेसन का लड्डू कैसे बनाए या दोस्तों मटन कैसे बनाए, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि दोस्तों मैं यहाँ पे अपना रिकमेंडमेंट टेक्स हूँ तो टेक के रिलेटेड यहाँ पे लिखूंगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लेने के लिए आपको पहले बता दिया, इसमें डिलीट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी आपको न्यू टेक्स्ट लेना है तो आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको थोड़ा साइड में तो घिस सकते हैं और यहाँ पे पेंसिल का जो निशान है एडिट का इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं मान लीजिए लिख देता हूँ कि यूट्यूब, यहाँ पे हिंदी भी एड कर देता हूँ, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है। ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यहाँ पे ओके करूंगा। और यहाँ पे इसको कर यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा बड़ा साइज में यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से बड़ा साइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज को भी मतलब यहाँ से बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे साइज यहाँ पे इतना रखता हूँ जो कि आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इसका फॉन्ट साइज देते हैं, जहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा फॉन्ट जो कि आपको सामने ये भी जो है देखने को मिल जाएगी। और भी इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई यहाँ पे एक फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि साइड में आप देख रहे हैं चेंज भी होता है हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आप जो भी यहाँ पे फॉन्ट देंगे वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों मैं ये वाला फॉन्ट चॉइस कर लिया और यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हो गया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा कलर दे देंगे, ठीक है। कलर के लिए दोस्तों यहाँ पे कलर का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों कोई यहाँ पे कलर का जैसे कि दोस्तों यहाँ से कलर ले लिया, मैं यहाँ पे रेड ले लिया, रेड पे क्लिक करके यहाँ पे सही कंडीशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों थोड़ा इस कलर में हम स्ट्रोक देते हैं जो कि स्ट्रोक का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साइड साइड जो भी यहाँ पे ब्लैक देखने को मिल जा रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ पे शैडो के ऊपर क्लिक करके कोई बैकग्राउंड जो कि पीछे कलर का जो कि मैं ग्रीन लगा देता हूँ, ठीक है। ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक भी दे दिया, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि पूरा हिल रहा है, ठीक है। अभी ये भी हिल रहा है, मेरा इमेज भी हिल रहा है और यहाँ पे जो साइड का स्ट्रोक लगा है ये भी हिल रहा है जो कि आपको डिजाइन देखना। अभी इन लोगों को कर्नल लॉक कैसे करा तो सिंपल दोस्तों ऊपर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबका ताला है, तो अभी ताले के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको कोई भी इमेज में हलचल में यहाँ पे मुझे से कुछ भी आपको दब गया तो यहाँ से हिलेगा नहीं। अभी दोस्तों दोबारा दोस्तों ये हो चुका है यूट्यूब चैनल कैसे बने। अब यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल से 2022, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक कर यहाँ पे लिख देना दोस्तों मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल से लिख दिया और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे लेके आएंगे। इसका थोड़ा यहाँ पे जूमिंग कर देंगे तो यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे जो कि इतना हो गया। अभी दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा,
स्किप मत कीजिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पर सीख जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कलर ले जाए सही के निशान पर क्लिक करूंगा और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से बोल्ड कर दिया, जैसे दोस्तों मैं यहाँ से मोबाइल से हो गया तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। बोल्ड के ऊपर क्लिक किया और सही के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर इसको मैं स्ट्रोक देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट देखने के लिए। आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा येल्लो का, जो कि आप येल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे येल्लो का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे लिख दिया दोस्तों यूट्यूब चैनल कैसे बनाए मोबाइल से। अब यहाँ पे लिखना है दोस्तों मोबाइल से हो गया, और इसको चाहते तो आप लॉक करना चाहते तो लॉक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपी मैं कर, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन पे, और यहाँ से दोस्तों इसको मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और यहीं पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2022। ठीक है, यहाँ पे देख सकते 2022, और मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जो कि यहाँ पे रखूंगा ब्लू। और देख सकते हैं दोस्तों कि एक बड़ा बड़ा मतलब जूमिंग, कभी भी थंबनेल बनाएगा याद करिएगा कि कभी भी थंबनेल बनाएगा तो इसका जो राइटिंग जो साइज लिखते हैं इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे तो कोई भी आपका यूट्यूब वीडियो के ऊपर आएगा और यहाँ पे जो भी आएगा तुरंत क्लिक करके आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करेगा और इस तरह दोस्तों आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बना देते हैं, ये दोस्तों एक सिंपल तरीका था। और अगर कोई भी आप लोग मन में सवाल होते हैं जैसे कि दोस्तों यूट्यूब थंबनेल नहीं बना पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम कहीं पर भी आकर हमें मैसेज पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक सिंपल मैं आपको थंबनेल बताया जो कि आप लोग बना सकते हैं और आपके अपने चैनल के लिए मतलब बेहतरीन चैनल ग्रो करने के लिए सब कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसको इस मतलब थंबनेल को यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के लिए दोस्तों आप लोग करना क्या है, सेव के ऊपर क्लिक करना और सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जेपीजी का जो ऑप्शन है यहाँ पे पीएनजी मूव करके यहाँ से दोस्तों पीएनजी का मतलब इसलिए होता है कि आपका जब भी थंबनेल है जो कि एक एचडी क्वालिटी हो जाती है, यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे और मैं जो भी इमेज बना वो गैलरी के ऊपर जाके सेव हो चुका है। अभी चलेंगे दोस्तों गैलरी के ऊपर तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि गैलरी में कहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं जैसे अपने गैलरी को ओपन किया, ओपन करने में दोस्तों बहुत सारी इमेज आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन दोस्तों हमको जो पिक्सल से बनाया वो देखना है तो यहाँ पे पिक्सल ऑप्शन देखने को आपको मिल जा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कि एक आपका बेहतरीन क्वालिटी अनुसार जो भी चाहिए जो थंबनेल यूट्यूब के लिए वो तैयार हो चुका है। और इस वीडियो में आपको सिखा दिया कि अपने यूट्यूब थंबनेल के मतलब यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो शायद आप लोग सीख चुके होंगे। और आप लोग जो भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की इस यूट्यूब वीडियो में आप लोग को बताया कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं वो भी आसान तरीकों में। अभी कोई भी दोस्तों अगर हार्ड काम आता है तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, हार्ड को थंबनेल बनाना है अगर नहीं मालूम चलता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह हेल्प की जाएगी। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और उनको भी मतलब जानकारी मतलब देख के कुछ समझ में आ सके। और कुकिंग के रिलेटेड जो भी महिला जो लोग कमेंट कर रही हैं वो लोग भी इससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, मन में जो भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे।